दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल, आपके अनुसार इंडिया का सबसे तेज और सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन ए जियो, ऑप्शन बी वोडाफोन, ऑप्शन सी एयरटेल। आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। तो दोस्तों नया इस साल स्टार्ट हो गया है और जियो का, इसी के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जियो का एक शानदार एपीएन सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिससे आपकी जियो की स्पीड 20 एमबीपीएस से ऊपर तक की पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ मैं बजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे आपको मैं 15 से 20 एमबीपीएस तक यहां पे आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, पूरा वर्किंग भी दिखाऊंगा और स्पीड भी चेक करके दिखाऊंगा आपको, ओखला बाय स्पीड बाय ओखला वाली एप्लीकेशन से आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा स्पीड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर आना है। सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर यहां पे आने के बाद आपको क्लिक करना है ड्यूल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क के अंदर। फिर यहां पे आपको वो वाली सिम सेलेक्ट करनी है जिस सिम में आपने, जिस पोर्ट के अंदर आपने जियो की सिम यूज कर रहे हैं। इसके बाद यहां पे क्लिक करना है आपको एक्सेस पॉइंट नेम वाले ऑप्शन के अंदर और यहां पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पे आपको एक नया एपीएन क्लिक करना है। तो यहां पे सबसे पहले नेम वाले ऑप्शन पे आना है। तो ध्यान से देखना ये वाला वीडियो। तो यहां पे नेम में आपको डालना है दोस्तों माय जियो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको डालना है माय जियो और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे एपीएम वाली सेटिंग के अंदर आना है। फिर यहाँ पे आपको एपीएम वाली सेटिंग के अंदर आना है, आपको यहाँ पे डालना है जियो नेट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप डालेंगे वो इस तरह से डालना है, कैपिटल वगैरह जे कैपिटल होना चाहिए, बाकी कुछ चीज़ जो है कैपिटल नहीं होनी चाहिए। प्रॉक्सी जो है दोस्तों नॉट सेट रखना है, पोर्ट नंबर जो है नॉट सेट रखना है। यूज़र नेम भी आ जाना है दोस्तों आपको, यूज़र नेम भी जो है आपको यहाँ पे डालना है जियो और फिर डालना है आपको 4G, 4 में जी जो आप लिखेंगे वो कैपिटल डालना है और फिर डालना है 800। तो जियो 4G 800, ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो है यूज़र नेम आपको डालना है। तो ये यूज़र नेम डालने के बाद आप जो आपको जो है पासवर्ड जो है बिल्कुल अनसेट रखना है, पासवर्ड को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। सर्वर पे आ जाना है दोस्तों, यहाँ सर्वर पे आपको डालना है आपको www.google.com। तो यहाँ पे दो है ये वाला सर्वर जो है आपको डाल देना है। उसके बाद में MMSC पोर्ट जो है आपको नहीं छेड़ना है, MMS प्रॉक्सी जो है आपको नहीं छेड़ना है, नॉट सेट रखना है और MMS पोर्ट जो है आपको नॉट सेट रखना है। MCC जो है आपको नहीं छेड़ना है, MNC जो है आपको नहीं छेड़ना। ये आपके एरिया के कोड होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे 405 दिखा रहा है और 868 दिखा रहा है, तो आपके कुछ और दूसरी वैल्यू होगी। लेकिन दोस्तों ये आपके एरिया के कोड होते हैं, इसमें अगर आप छेड़छाड़ कर सकते हैं करेंगे तो आपका जियो का इंटरनेट सर्विस जो है उसमें इंटरनेट काफ़ी डाउन हो सकता है या इंटरनेट बंद हो सकता है, तो इसको आप बिल्कुल मत छेड़िएगा। नीचे जो है फिर आ जाता है आपको ऑथेंटिकेशन टाइप। ऑथेंटिकेशन टाइप में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है PAP और CHAP चैप, पैप और चैप, ये वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे आपको आना है APN टाइप के अंदर। APN टाइप के अंदर आपको जो है कुछ भी नहीं डालना है, APN प्रोटोकॉल के अंदर आना है आपको। यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है IPv4 IPv6, ये वाला ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे आना है आपको, यहाँ पे IPv4 IPv6 ये जो है सेलेक्ट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है वो है बीरर की। तो बीरर के अंदर यहाँ पे आपको आना है और इसको अनस्पेसिफाइड से हटा देना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है LTE। LTE सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है HSPA और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करेंगे जब आप, तो यहाँ पे UMTS जो है सेलेक्ट कर लीजिए। और ये बीआरएस सेटिंग सेलेक्ट करने के बाद आप इसको बैक कर दीजिए। दोस्तों ये एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपका फ़ोन तीनों सेटिंग सपोर्ट करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो आपको LTE तो सेलेक्ट करके रखनी ही रखनी है। तो ये पूरी सेटिंग होने के बाद इस APN को सेटिंग को आप जो है सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे जो है जियो नेट जो अपन ने नया बनाया है इस पर एक बार टैप कर दीजिए, एक बार क्लिक कर दीजिए और अपना जो नया जियो जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, अपनी जो नया जो जियो का नया APN है वो यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपकी कितनी स्पीड आई अभी ये वाला IPN यूज़ करने के बाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए बोलते रहना।